शहडोल जिले में उस वक्त आज का दिन काला साबित हो गया जब एक मां ने अपने बच्चे की हत्या कर दी। दरअसल यह महिला मानसिक रूप से कमजोर बताई जा रही है और घर में अकेली थी और अपने जिगर के टुकड़े को उसने धारदार हथियार से मौत के घाट उतार दिया। उसके शव को घर के बाहर फेंक दिया, खुद कमरे में कैद हो गई। मौके पर पुलिस पहुंची और फिर शव को बरामद करने के बाद पंचनामा बनाकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक महिला सोहागपुर थाना क्षेत्र की कौनी की रहने वाली 40 वर्षीय गुड्डन बेगा है, जो मानसिक रूप से कमजोर है। हाँ, माँ अपना बच्चों को मौत डारा दोनों को। हमस मारे हुए सर, मैं तो देखे नहीं हूँ। क्यों मारी, कुछ कारण? उसका दिमाग वो क्रैक है। सो रहे थे बच्चे? हाँ, बच्चे लोग सो रहे। आप कहाँ चले जाते? नदी। क्या क्या हुआ? जैसे नदी गया, फिर आप क्या हुआ? सो रहे हैं बच्चे, मैं भाई चला गया नदी, वहाँ से आया हूँ तो बच्चों को मारे पड़े देखा हूँ। वो दरवाजा भी लगा लिया है। क्या नाम है? हाँ, ये कोने गांव का एक मामला है, सोहागपुर थाने का है। यहाँ पे मुन्ना बेगा करके एक व्यक्ति है जो थाने आके बताया था कि उनकी पत्नी थोड़ा सा विषक टाइप है, इलाज चल रहा है। अभी मैं सुबह शौच के लिए बाहर गया हुआ था तो मेरी पत्नी और दोनों बच्चों को घर के अंदर कैद कर लिया है, तो इसे सूचना दी थी। उसके बाद घटनास्थल पर आकर देखा तो दो बच्चों की डेड बॉडी प्राप्त हुई है। पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जा रहा है, महिला को अभी थाने ले जाया गया है। तो घटना के बारे में विस्तृत पूछताछ करके आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे घटना लगी? ये सुबह की घटना है।